खापरखेड़ा के चिचोली में भी श्री संत गजानन महाराज मंदिर बना है। यहाँ भी करीब चार दशक से श्री संत गजानन महाराज इनका प्रगट दिन बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है गजानन महाराज प्रगट दिन के अवसर पर नागपुर के हरि भक्त राकेश महाराज इनके द्वारा गोपाल कला कीर्तन किया गया इससे पूर्व काकड़ा या आरती अभिषेक और महापूजन की गई कीर्तन पश्चात महाप्रसाद वितरित किया गया धार्मिक मान्यता अनुसार जिस समय श्री गजानन महाराज को पहली बार देखा गया अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से वह दिन 23 फरवरी 1878 का दिन था इसलिए इसी दिन उनका प्रकट दिवस शे गांव में प्रतिवर्ष मनाया जाता है इसी दिन भारत देश में श्री गजानन महाराज के मंदिर से पालकी निकाली जाती है और उनकी चरण पादुका का पूजन किया जाता है उनके जन्म और जन्म स्थान के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है जब उन्हें पहली बार देखा गया तब वह एक युवक थे और वे झूठी पत्तलों से खाना उठाकर खा रहे थे और गनगन गणात बूते का उच्चारण कर रहे थे गनगन गणात बूते का उच्चारण करने के कारण ही उनका नाम गजानन पड़ा गजानन महाराज का पूरा जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है एक बार जब महाराज दिगंबर होकर तपस्या कर रहे थे तब एक स्त्री उन पर मोहित होकर उनके पास गई। लेकिन उसने देखा कि महाराज के तेज से नीचे रखी घास भस्म हो गई है उस स्त्री को महाराज के प्रति गलत भाव रखने का बहुत पछतावा हुआ और उसने उनसे क्षमा मांगी एक बार महाराज को प्यास लगी उन्होंने वहां से गुजर रहे भास्कर पाटिल से पानी मांगा लेकिन उसने इनकार कर दिया तभी महाराज को वहाँ कुआ दिखा जो बारह वर्षो से सूखा पड़ा था महाराज कुएं के पास जाकर बैठ गए और ईश्वर का जाप करने लगे जाप के तप से कुआं पानी से भर गया इस तरह बहुत से चमत्कार उनके भक्तों के बीच प्रसिद्ध हैं। गजानन महाराज उनके 32 वर्ष के अवतार कार्यकाल में भ्रमंती दौरान नागपुर में भी आते रहे खापरखेड़ा से बीसीएन न्यूज के लिए दिलीप गजबीये और अरुण महाजन की रिपोर्ट